कढ़ाई में ले लिया है जी मैंने देसी घी, तो ये लिया था जी मैंने, तो एक तो है जी ये वाले, तो फिर घी है ये मैंने नहीं। देखो जी बेसन का कलर कैसे हो गया है, तो कम से कम मेरे को आधा घंटा हो गया जी इसको हिलाते हिलाते। देखो जी बेसन का हलवा बन के हो गया है जी तैयार, तो आप देख सकते हो जी, देखो जी रूही आ गई है खाने सबसे पहले, तो ये देख सकते हो आप बहुत ही यम्मी बना है जी, बहुत ज़्यादा स्वाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग इस तरह से, आज है सैटरडे, तो रूही हो गई है जी तैयार, रूही का एग्ज़ाम पंजाबी का एग्ज़ाम है इसका है रूही पंजाबी का, तो ये देखो इसको मैंने तैयार कर दिया, इसको मैंने दूध दे दिया यहाँ पे। तो आज है जी बहुत ज़्यादा ठंड, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है जी आज, तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसको तैयार कर दिया, मैं इसका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, गुत मैंने इसकी कर ली है, तो इसको नलाया नहीं है जी अभी, इसको कल ही मैंने नला कर रख दिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, गिर जाएगा वो, थोड़ा पकड़ ले दूध। तो फ्रेंड्स देखो जी इसकी शक्ल, बिल्कुल भी इनका मन नहीं होता जी सुबह उठने का, बड़ी मुझसे उठाना पड़ता है, तो मैं भी बड़ी मुझसे उठी हूँ जी। आज मेरे को जुकाम लगा, गला खराब है, गले में खराश हो रही है क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज, बारिशें हो नहीं रही, बीमारियाँ खत्म। फिर से सुना दो, चलो गाना सुना दो। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, शादी एक से होती है, हजारों से नहीं। ये तो आपने शायरी बोल दी, ये तो शायरी है, शायरी तो गाना था मेरा। गाना सुना दो ना, गाना क्या सुनाऊं, मन तो लगता है पर कैसे सुनाऊं। कोई बात नहीं सुना दो, नहीं लग गई है जी यहाँ पे खेलने, और आप देख सकते हो इधर खेले जा रही है अच्छे से। ये देखो जी छत के साफ कर ली आज किसने की होगी, तो ये देख सकते हो जी इसका काम सुबह सुबह हो गया शुरू। टोपी नहीं पहनती, टोपी पहन जल्दी पहन, कान ढक। अरे वीडियो बनाए जो पै पै करेगा ना वो वीडियो में आ जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा बनाना, अच्छे से रहना। क्या है, क्या हो गया? ये आपकी भाभी? हाँ मेरी भाभी है, गए उनकी? नहीं मेरी भाभी है, वो भाभी नहीं है उनकी, नंद है भैया की बहन है वो, मर गए उनकी मम्मी। अरे थोड़ा थोड़ा पहचान आ रहा है कि कितना नाम बोल रही है, क्या कह रही है, मम्मी की तरह लगते हैं ना। हाँ मैं आंटी को जानती थी, आंटी मुझे से बोला सकती थी बैठ के सजाया, आंटी की उनकी पत्नी, तो बैठो ना मैंने जगह तो दी थी तेरे को। अरे बताओ मेरा क्या करूं मैं, से दे देना, ले ले जा लो ए ए ले ले पकड़ पकड़ ले इसको भी दे। मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, ये कह रही चलो नीचे चले, मुझे बनाने का बहुत शौक है पर क्या कभी शाम को काम तो हो जाए जी, बहुत ज़्यादा ठंड, शाम के बज गए हैं जी साथ। ये देखो जी रूही अपना खेल कूद में लगी है अपने ब्लॉग्स के साथ, तो कन्नू को देखते हैं जी कन्नू क्या कर रही है। दो बत्ती मेरी हो गई है जी, कन्ने क्या कर रहा बेटा, दूध ठंडा हो गया आपका, क्या हो गया, दूध पी ले, फोन छाड़ दे दूध पी ले। तो ये कन्नू को मैंने दूध दिया है जी यहाँ पे, इसको लग रही है जी ठंड, टोपी पहन के रखो बेटा, देखो जिसको लग रही है ठंड, बहुत ज़्यादा कांप रही है, जिसको मैंने बाहर नहीं निकाला है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि ऊपर खाली है सारा। तो मैं धूपबत्ती कर ली है जी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ज्योत बत्ती हो गई है मेरी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैंने ये सारा ढक के रखा है। ये देखो जी ज्योत बत्ती हो गई है, इधर धूपबत्ती हो गई है सारी, और अब जा रही हूँ जी करती हूँ खाने की तैयारी, बनाने की तैयारी, क्योंकि आज है जी इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी फॉग है बाहर दो दिन से, पर आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है जी, तो मन नहीं कर रहा है हाथ डालने को बिल्कुल भी पानी में की करे। तो अभी सारे बर्तन भी धोने को पड़े हैं जी, और चाय चुई हमने पी ली है जी, अब थोड़े से बर्तन भी हैं ये देख सकते हो आप। तो इधर मैंने बनाई है जी येलो दाल और काली माँ और दाली चने की दाल मिक्स करके बनाई है जी, बहुत सुबह ठंड बहुत ही अच्छी बनी है जी, काली माँ और दाली चने की दाल बनाओगे बहुत ही अच्छी, अदरक वगैरह डाल के दाल बनी है। आटा मैं देखती हूँ जी कितना मैंने गूंद के रखा है,
आटा फिर, तो देखते हैं जी आटा अभी कितना है। तो आटा गूंद लेती हूँ, रोटी बनाऊंगी जी, क्योंकि ठंड इतनी है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। तो बच्चे ना खाने को कुछ मन कर रहा है ना बनाने को। तो आटा है जी अभी के लायक हो जाएगा, क्योंकि सुबह की भी इसमें दोपहर की भी रोटी पड़ी है जी। तो डिनर शिनर हमारा हो गया, रवि के पापा डिनर कर रहे हैं। तो कन्नू भी अभी थोड़ी सी ठीक हो गई जी, बाहर निकल के आ गई, इसको मैंने जैकेट पहना दिया है और इसको भी मेडिसिन दी है जी। तो मैं अभी गई थी जी बाहर, मैं सामान लेके आई हूँ। तो मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे बेसन खलवा, लेके आई हूँ जी सुंड। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कमरे में, लेके आई जी सुंड में 20 रुपए की सुंड। तो ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों को दो जी सोते बार थोड़ी थोड़ी सी दुनिया देनी है जी। ये होता है सूखे अदरक की बनी होती है ये जिंजर की। तो और ये लेके आई जी मैं बेसन, और ये लेके आई जी मैं चीनी, और ये लेके आई जी काजू। तो बनाऊंगी मैं अभी जी बेसन का हलवा, तो आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी मैं। तो आप भी देखना जी, थोड़ी सी उसमें सूंड भी डालेंगे और ये काजू वगैरह सब डालेंगे जी। तो आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। अब मैं बनाने जा रही हूँ जी बेसन का हलवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगी है जी, बच्चों को भी, रुई के पापा को भी, क्योंकि खाना खुना हो गया, सब्जी सब्जी बनी ही थी जी। तो अब सुबह का सुबह सोचेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो अभी फ़िलहाल हम बनाएंगे बेसन का हलवा। तो इसमें डालेंगे हम काजू, बेसन, चीनी, और सिंपल बनाएंगे बिल्कुल फ्रेंड्स, घी का बनेगा ये। और ये सूंड लाई हूँ अदरक की, सूखे अदरक की सूंड होती है, थोड़ी थोड़ी डालनी होती है बच्चों को, इससे बड़ों और छोटे को हड्डियों में जोड़ों में भी नहीं दर्द होता है, ठंड से भी बच्चे रहते हैं। तो ये मैं अभी बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो कन्नू भी थोड़ा सा खेलने लग गई है, इसको मेडिसिन दे के थोड़ा सा राहत मिली, इसको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तब देखो जी खेलने लगी है। देखो जी बेसन का वो बन गया है जी, देखो ऐसे ब्राउन ब्राउन होना चाहिए, टाइम ज़्यादा लगता है जी इसको वो करने में। जितना आप इसको वो फ्राई करोगे फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा अच्छा वो देगा आपको, कलर भी दे हैं जी। तो ये देखो जी आप, ये आप देख सकते हो जी कैसे। अब इसमें डाल देंगे जी हम पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे जी इसमें, हम देखते हैं कैसे बनता है जी। डाल दिया जी, अब इसमें चीनी अभी गलेगी। देख सकते हो आप जी बेसन का हलवा बनके हो गया है तैयार, एक भी बट नहीं है जी, बहुत टाइम लगा जी बनाने में। अब इसको मैं डाल देते हैं जी काजू, इसमें काजू मिक्स कर देते हैं जी। बादाम वगैरह मैं डालूंगी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, मुँह में आते हैं तो काजू खुशी से खा लेते, इसलिए मैंने काजू डाले हैं जी। तो अब देखते हैं जी, देखो जी बेसन का हलवा कितना अच्छा बना है जी। तो इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, इधर कढ़ाई में ले लिया है जी मैंने देसी घी, तो ये लिया था जी मैंने। तो एक तो है जी ये वाले, तो फिर घी है ये मैंने नहीं डाला है, मैंने उत्तम का डाला है जी, बाहर बाजार से लेके आई थी थोड़ा सा, तो मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी जी बेसन और काजू, तो बाद में ऐड करने जी, बेसन डालना है और कम आँच में पकाना है फ्रेंड्स आपको उसने, और बीच में थोड़ी सी सूंड डाल देना आपने बनाते बार। इधर डाल दिया है जी बेसन, तो इसको कम आंच में ही आपने भुनना है। तो मैंने पाइया बेसन लिया था जी, तो पाइया का ही बनाऊंगी, कम सा बनाऊंगी जी जितना, क्योंकि मेरे पास घी कम ही बचा था फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। तो बेसन मैंने डाल दिया और इसको कम आंच में बनाना है फ्रेंड्स।